नमस्कार सभी को, एक्सप्लोरिंग हाइलाइट्स के एक नए व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है हमारा बाली में डे 3। तो आज का दिन हमने कुछ ऐसे प्लान किया है कि बाली के 2-3 टूरिस्ट अट्रैक्शंस हम कवर करेंगे। और अभी सुबह के 7 बजे है और देखिए, हम जिस रूम में रह रहे हैं उसके बाहर इन्होंने पूजा किया है। इनफैक्ट हर गेट और हर रूम्स के बाहर एज़ पर बालीनीज कल्चर यहाँ पे पूजा किया जाता है। तो हिंदूज़ में भी जैसे हम अगरबत्ती लगाते हैं, इन्होंने भी अगरबत्ती लगाई है। और वो टोकरी में आपको दिखेगा थोड़ा सा प्रसाद रहता है, थोड़ा सा दुर्वा रहता है और थोड़ा सा फूल रहता है। ये पूरे बाली में हर एक कोने कोने में जहाँ पे गेट है या कहीं मेन डोर हो वहाँ पे पूजा किया जाता है। और ये है हमारा रिसॉर्ट का बाहर का इलाका, बोल सकते हैं कि एक फ्रंट यार्ड स्पेस है, काफ़ी सुंदर है और ग्रीनरी से भरा हुआ है। तो चलिए, अभी मैं बहुत जल्दी जल्दी थोड़ा ब्रेकफास्ट बना लूँगी। तो हम जब इस होटल में आए थे, हमें ब्रेकफास्ट जो है हमारे रूम रेंट के साथ नहीं चार्ज किया है। तो हम सेपरेटली चाहे तो इस होटल का ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, लेकिन हमने जब ऑप्शंस देखे यहाँ पे था अमेरिकन या तो कॉन्टिनेंटल या तो बालीनीज जो भी इनका फूड है, तो वो हमें बिल्कुल खाने का आज मन नहीं था, कुछ हल्का ब्रेकफास्ट करने का मन था। तो कल जब हम आ रहे थे, एक सुपरमार्केट था जहाँ से मैंने कुछ बटर और ब्रेड उठाया था। तो ये एक अनसॉल्टेड बटर है, इसका नाम है शायद ल्यू पार्क, कुछ नया ब्रांडेड बटर है ये। तो चलिए ट्राई करेंगे आज अनसॉल्टेड बटर कैसा लगता है। और ये अपना सिंपल वाला वाइट ब्रेड है। तो सुबह सुबह मैंने सोचा कि इससे बेटर और हल्का ब्रेकफास्ट कुछ हो नहीं सकता, तो मैं ब्रेड बटर थोड़ा सा खा लूँगी। और साथ ही में कुछ फ्रूट्स है, वो भी हम ब्रेकफास्ट में ही खाएंगे। तो बाली का ये सफ़र आप सभी को कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। इससे पहले भी हमारे 2 व्लॉग्स आ चुके हैं बाली में, जहाँ पर हमने उबुद एक्सप्लोर किया था और पर्सनली मुझे उबुद बहुत अच्छा लगा। उबुद एक ऐसा जगह है बाली में जो बहुत ही इंटीरियर बेस्ड है, शहर से दूर है, आपको नेचर के बहुत करीब आने का मौका मिलेगा। तो आज के टूर में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं नॉर्थ सेंट्रल बाली। सबसे पहले हम चले जाएंगे द आइकॉनिक हंडारा गेट देखने के लिए और फिर उलुंदानु बेरातान टेंपल। तो चलिए, यहाँ पे मैंने अच्छे से बटर को ब्रेड में लगा लिया है और यहाँ पे कुछ मिल्क पैकेट्स मैं ले आई हूँ मेरे साथ। वैसे तो ये यहाँ के लोकल स्टोर में भी अवेलेबल मिलेगा, लेकिन मैं कुछ पैकेट्स मेरे साथ ले आई हूँ क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा इलॉन्गेटेड ट्रिप है, काफ़ी दिनों का ट्रिप है, तो मैंने सोचा कि साथ ले चलते हैं। तो इससे पहले जब हम सिंगापुर गए थे, मुझे बहुत ही श्योरिटी थी कि मुझे ईजीली शायद चाय ना मिले, बट सिंगापुर में बात कुछ अलग था। हम लिटिल इंडिया में गए थे काफ़ी दिन, तो वहाँ पे चाय और बहुत सारे इंडियन कुजीन ईजीली अवेलेबल मिला। बट हाँ, बाली में आपको चाय मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कॉफ़ी ज़रूर मिल सकता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ पैकेट्स मिल्क मैं अपने साथ रखूँ, और कभी मन किया तो चाय का क्रेविंग हुआ तो मैं टी बैग से ईज़िली मिल्क टी बनाकर पी सकती हो। लेकिन आज हम ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स और दूध मिक्स करके खा लेंगे। तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट रेडी है और ये जो फ्रूट्स हैं इन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री दिया है, तो इन्होंने हमें दिया था ऑरेंज और बनाना, तो बनाना हम अभी ब्रेकफास्ट में खा लेंगे। तो चलिए, ब्रेकफास्ट के बाद अभी हम निकल गए हैं। और स्टार्टिंग ऑफ द व्लॉग में मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे हर जगह पूजा करते हैं, और यहाँ पे देखिए प्रसाद में इन्होंने बिस्किट के साथ नूडल्स भी रखा है। तो ये काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको बालीनीज कल्चर के हिसाब से देखने मिलेगा बाली में, जो कि हमारे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है ऑल टुगेदर। क्योंकि अक्सर हम भगवान को जब प्रसाद चढ़ाते हैं वो कुछ मीठा होता है, लेकिन यहाँ पे ये इनका जो स्टेपल फूड है, राइस हो या नूडल हो या बिस्किट भी चढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा लगा, कुछ अलग देखने मिला। तो अभी हम राइस फील्ड से होते हुए चले जाएंगे टूवर्ड्स नॉर्थ सेंट्रल बाली। तो बाली इज़ एक्चुअली डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट्स, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट और सेंट्रल। तो उबुद जो आता है ये सेंट्रल रीजन में आता है, और आपको हर रीजन में ही काफ़ी टूरिस्ट पॉइंट मिलेंगे। तो अगर आप पूरा बाली अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहो तो आपको मिनिमम 10-12 डेज लगता है। और अगर आप सही में बाली को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहो तो आई विल सजेस्ट कि आप 2 वीक्स हाथ में लेकर आइए, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आप अगर ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा रेस्ट करना भी ज़रूरी हो जाता है। लेकिन इस साल हमारा जो ये ट्रिप है ये काफ़ी कॉम्पैक्ट ट्रिप है, हमने बहुत ही शॉर्ट स्पैन में सिंगापुर प्लस बाली कवर किया है। तो हमारा पूरे ट्रिप में यही कोशिश रहा कि जो बाली के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स हैं
हम वहाँ जाए। और हंडारा गेट और उलुंदानु बरातान टेम्पल के बारे में मैंने बहुत सुना है, बहुत व्लॉग्स में देखा है, और कुछ बात है इस जगह में जिसके लिए हमने इसे हमारे आइटिनरी में रखा है। तो ये पूरा जो दोनों अट्रैक्शन पॉइंट्स है, ये एक पहाड़ के ऊपर स्थित है, इसीलिए ड्राइवर ने हमें एक छोटा सा ब्रेक दिया है। तो ये है एक 7-Eleven स्टोर। ऐसे 7-Eleven के आउटलेट्स आपको बहुत जगह देखने मिलेंगे रास्ते रास्ते में। तो ये इनका एक जनरल स्टोर जैसा है, जहाँ पर आपको सारे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, डेली स्टेपल्स हो या कुछ मेडिसिंस हो या इवन स्नैक्स आइटम हो, आपको ईजिली मिल जाएगा। तो आगे का जो सफ़र है हमारा, ये पहाड़ी रास्तों के बीच से है। तो कुछ मंचिंग के लिए मैं यहाँ ढूँढ रही हूँ, और किसी भी 7-Eleven स्टोर में या किसी भी कंट्री के लोकल स्टोर में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इनका जो लोकल प्रोडक्ट्स है वो देखना, कि वो कैसे बनाया जाता है और लोग खाने के लिए क्या प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो भी इन ऑल एक अलग एक्सपीरियंस होता है। आप उस देश के खाने के बारे में, फूड के बारे में, कल्चर के बारे में जान सकते हो। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मुझे कॉमन दिखी और कुछ कुछ अनकॉमन चीज़ें भी दिखी। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा पिज़्ज़ा ले लिया था साथ में, और अभी जो हमारा आगे का सफ़र है वो शुरू कर चुके हैं। तो ये जैसे मैंने कहा, एक पहाड़ के ऊपर स्थित है, ये रास्ता बहुत सुंदर है। इनफैक्ट मुझे बहुत ज़्यादा ये दार्जिलिंग जैसा एक रास्ता लग रहा है। पहाड़ के ऊपर होने के बावजूद यहाँ का रास्ता जो है बहुत स्मूथ है, कहीं भी आपको रास्ता ख़राब नहीं दिखेगा। और रास्ते में ही एक बहुत सुंदर सा एक लेक पड़ता है दाहिने तरफ, काफ़ी बड़ा लेक है, और इस लेक के पास भी छोटे छोटे कॉफ़ी शॉप्स है या कॉफ़ी स्टॉल्स है। और देखिए यहाँ का नज़ारा, सामने पहाड़ और उसी के पास एक बड़ा सा लेक। इनफैक्ट यही लेक का एक स्ट्रेच उलुंदानु बरतान टेम्पल के ओर गया है। जब हम जाएंगे आप सभी के सामने, हम वो व्यू भी लेकर आएंगे। उबुद से हंडारा गेट पहुँचने के लिए लगभग हमें 3 घंटे लगे। हंडारा गेट को द आइकॉनिक हंडारा गेट बोला जाता है, और ये बहुत ही फेमस एक टूरिस्ट स्पॉट है। इनफैक्ट यहाँ पे टूरिस्ट हो या लोकल, सुबह 6 बजे से आकर लाइन में लगते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक कपल फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फ्रीलांसिंग फ़ोटोग्राफर्स आपको मिलेंगे, जो बहुत ही बेहतरीन फ़ोटोज़ आपके निकाल के देंगे। मैंने भी कुछ फ़ोटोज़ इंटरनेट में देखे, और सही में इट्स अ माइंड बॉगलिंग फ़ोटो शूट जो ये करते हैं, हैट्स ऑफ। ये चार्जेबल होता है और एंट्री फ़ी अलग से होता है। हंडारा गेट का एंट्री फ़ी है 50-100 IDR। और जब हम टिकट निकालने गए थे तो हमें जो काउंटर है वहाँ से बोला गया कि 45 मिनट्स का वेटिंग टाइम है, क्योंकि सभी लोग आके वहाँ फ़ोटोज़ निकालते हैं, तो हर एक को 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। तो हमने सोचा कि शायद एक फ़ोटो के लिए हमारा वहाँ वेट करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि और भी प्लेसेस है जहाँ हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बट हाँ, अगर आपको फ़ोटो लेना हो तो डेफ़िनेटली आप इस जगह में थोड़ा जल्दी आइए, क्योंकि जितना जल्दी आप आओगे उतना आपको भीड़ कम मिलेगा और वेटिंग टाइम भी कम होगा। तो हंडारा गेट के ठीक बाजू में ही हमने देखा एक स्ट्रॉबेरी फार्म है। तो ये देख के तो मैं सीधा महाबलेश्वर पहुँच गई, क्योंकि स्ट्रॉबेरी फार्म्स महाबलेश्वर में बचपन से हमने देखे हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी प्लकिंग किया जा सकता है। जब हम इस पहाड़ी रास्ते से आ रहे थे तो काफ़ी स्टॉल्स में मैंने देखा कि यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज बेचा जा रहा है। तो ड्राइवर से पूछने के बाद हमें पता लगा कि अभी जो है बाली में स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन का टाइम है, और ये जो जगह है ये काफ़ी चिल्ड है। मतलब उबुद हो या सेंट्रल बाली से अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ का टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली ड्रॉप्ड रहता है, इसीलिए स्ट्रॉबेरीज भी अच्छा ग्रो करते हैं और यहाँ का सॉइल भी काफ़ी फर्टाइल है। गेट तो वहाँ बहुत ज़्यादा क्यू है, तो हम उसके बाजू के स्ट्रॉबेरी फार्म में आए हैं। तो यहाँ पे एंट्री फ़ी है 10,000 IDR, एंड आप 30,000 IDR का 500 ग्राम स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं अपने साथ, और स्ट्रॉबेरीज को आप खुद चूज़ करके ले सकते हैं। सो बेसिकली अ स्ट्रॉबेरी पिकिंग एक्टिविटी। तो अच्छा लगा, मीन्स यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के स्ट्रॉबेरीज, आप साइज़ देखिए काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो कुछ और पिक करेंगे। और मैंने टेस्ट भी करके देखा है, एक काफ़ी मीठा है। तो लगभग 2-3 रोज के अंदर जाकर मैंने इतने सारे
स्ट्रॉबेरीज ले लिए हैं और लगभग ये 500 ग्राम्स के हैं। तो स्ट्रॉबेरी फार्म के बाद अभी हम जा रहे हैं उलुंदानु बरातान टेंपल के ओर। तो इस टेंपल को विज़िट करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इनफैक्ट आज का जो दिन है मैंने डेडिकेटेड इस टेंपल विज़िट के लिए रखा है, क्योंकि उबुद से काफ़ी दूर है, 3 घंटे आने और जाने में लग जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि फाइनली हम यहाँ आए हैं। और यहाँ का जो एंट्री फ़ी है वो है 75,000 IDR, और यहाँ पे इन्होंने हमें पर पर्सन एक 500 ml का बॉटल भी दिया है, क्योंकि ये मंदिर काफ़ी बड़ा है। इनफैक्ट यहाँ पे एक चीज़ है बाली में कि ये जो टेंपल्स बोलते हैं ये बेसिकली यहाँ का गेट्स या आर्किटेक्चर होता है। एज सच टेंपल जो हम हिंदूज़ में देखते हैं कि एक प्रतिमा होता है या भगवान का मूर्ति है, वैसा मुझे किसी भी टेंपल में अब तक देखने नहीं मिला है, इंक्लूडिंग दिस वन ऑल्सो। तो चलिए, सामने ही एक मैप था, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया जुड़कर बनाया गया है, काफ़ी ग्रीनरी हमें देखने मिल रहा है और साथ ही साथ पहाड़ और लेक का एक सीनिक ब्यूटी तो है ही। तो अभी जो हमने हंडारा गेट में देखा वैसा ही एक गेट यहीं पे है, तो वहाँ तो हम फोटोज़ नहीं निकाल पाए क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन थी, तो यहाँ निकाल लिया। तो अभी हम आए हैं उलुंदानु बरातान टेम्पल, और ये हंडारा गेट से सिर्फ 15 मिनट का रास्ता है, तो जो भी टूरिस्ट आते हैं ये दो पॉइंट्स यहाँ पे कवर करते ही है। और ये मंदिर बहुत खूबसूरत बनाया है। तो कल भी हम दो मंदिर गए थे, लेकिन इसका जो ब्यूटी है काफ़ी यूनिक है। ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा है और बीच में एक लेक है, मतलब इतने ऊँचे पहाड़ में लेक काफ़ी एक अनकॉमन चीज़ है। एंड थ्रू आउट द टेम्पल बहुत ज़्यादा ग्रीनरी मेंटेन किया है, बहुत तरह तरह के फ्लावर्स लगाए हैं, और पूरा टेम्पल बालीनीज आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है। अगर आप कोई बाली ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इस टेम्पल में आप ज़रूर आइएगा, क्योंकि अगर आप उलुंदानु बरातान टेम्पल नहीं आ रहे हैं तो आई थिंक आप बहुत कुछ मिस करेंगे। तो बाली में तो बहुत सारे टेम्पल्स हैं, इससे पहले हम कुछ और टेंपल्स भी विज़िट कर चुके हैं, जैसे पूरा तीर्था एम्पल टेंपल, लेकिन इस टेंपल का एक बहुत ही अलग यूनिकनेस है। मेनली जो है यहाँ पे ये सीनिक ब्यूटी की पहाड़ों के बीच में आपको पानी दिखेगा और साथ ही साथ इतना सुंदर सा एक व्यू दिखेगा, और यही है इनका मेन टेंपल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भगवान का प्रतिमा नहीं है, इट्स जस्ट द स्ट्रक्चर इटसेल्फ जिन्हें ये पूजा करते हैं। तो जैसे मैंने कहा था स्टार्ट ऑफ द व्लॉग में, जो मैंने देखा है बालीनीज कल्चर के हिसाब से जो स्ट्रक्चर्स है, जो पिलर्स है या जो गेट्स है, उन्हें ही ये बेसिकली एक श्राइन मानते हैं, और उसका ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो यहाँ पे कुछ और फोटोजेनिक पॉइंट्स है, और यहाँ पे भी काफ़ी फ्रीलांसिंग फ़ोटोग्राफर्स है जो आपके बालीनीज कॉस्ट्यूम में फ़ोटोज़ निकाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टूरिस्ट्स ये ट्राई भी कर रहे हैं, गेट्स के बीच में बालीनीज कॉस्ट्यूम में फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं। तो चलिए इस मंदिर के ओर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पॉइंट है मुझे काफ़ी दार्जिलिंग वाला फील दे रहा है, क्योंकि दार्जिलिंग में भी आप देखोगे तो पहाड़ होते हैं, हाँ डेफिनेटली लेक्स नहीं देखे हैं मैंने। पहाड़ों के बीच वेदर प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पे कभी कभी क्लाउडी वेदर है, ऐसे लग रहा है मानो जैसे बारिश हो सकता है, और कभी कभी बहुत सनी भी। तो यहाँ पे है एक फ़िश फीडिंग पॉन्ड, एक फाउंटेन एरिया जैसे इन्होंने बनाया है, और यहाँ पे पत्थर रखे हैं जिसके ऊपर चढ़कर आप फ़िश फीडिंग करा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे जापनीज कोई है और गोल्ड फिशेस भी है। और इसके अलावा इस पूरे कैंपस में आपको बहुत सारे फोटोजेनिक पॉइंट्स दिखेंगे, बालीनी स्कल्पचर्स दिखेंगे, जिसके सामने आप बहुत बेहतरीन फ़ोटोज़ खुद ही निकाल सकते हैं। ये बहुत बड़ा एरिया जुड़कर बनाया है, लेकिन इनका जो मेंटेनेंस है ये बिल्कुल टॉप नॉच है, आपको कहीं भी वेस्ट या गार्बेज देखने नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा फोकस किया है यहाँ पे ग्रीनरी पर और फ्लावरिंग प्लांट्स एंड गार्डनिंग के ऊपर। बहुत सारे स्पीशीज़ तो ऐसे हैं फ्लावर्स के जो मैं भी खुद पहली बार देख रही हूँ। ओवरऑल इस टेंपल का एक्सपीरियंस हमेशा हमारे मेमोरी में रहेगा। टेंपल के एग्ज़िट में यहाँ पे 2-3 रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप लंच कर सकते हैं। तो काफ़ी देर हुआ है, हमने कुछ खाया नहीं है, और बहुत ज़्यादा वॉक भी हो गया है अब तक, तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो हमने सोचा कि इस टेंपल के ही रेस्टोरेंट में आज का लंच हम करेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस है, इनफैक्ट आप किसी भी बालीनीज रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको सिर्फ कुछ ही वैरायटीज़ मिलेगा बालीनीज फूड का।
तो एनीवेज हमें राइस खाने का ही मन कर रहा था और यहाँ पे राइस या नूडल्स इनका स्टेपल है, तो हमने राइस ही ऑर्डर किया है। और ये रेस्टोरेंट का इंटीरियर भी काफ़ी सुंदर है। बैकग्राउंड में आप नोटिस करोगे इनका जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक का फॉर्म है वो बज रहा है, तो ये बेसिकली बैम्बू से एक साउंड निकालते हैं। इवन तो यहाँ पे ये टेप रिकॉर्डर में बज रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है ये एनवायरनमेंट। और यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है बालिनीज प्लेटर, राइस प्लेटर है ये, और साथ में इन्होंने दिया है एक कॉम्प्लीमेंट्री जूस। बाली में वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शन बहुत ही कम है, काफ़ी कम वेज रेस्टोरेंट्स भी है, तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है चिकन एंड राइस प्लेटर। और ज़्यादातर यहाँ का जो चिकन है ये फ्राइड फॉर्म में रहता है, जैसे हम KFC में खाते हैं, और साथ में ही दिया है राइस और एक सैलड। साथ में एक सॉस है जिसे फ़िश ऑयल के साथ बनाया है, क्योंकि काफ़ी एक पंजेंट और एक स्ट्रॉन्ग अरोमा हमें मिला है सॉस में, तो इस सॉस को ये बोलते हैं सांबाल। और मेनली ये टोमेटो गार्लिक के साथ एक फ़िश ऑयल का फ्यूजन रहता है। तो खाने में ठीक ठाक था, बट पर्सनली मैंने चिकन और राइस को ज़्यादा एंजॉय किया। और ये जो प्लेटर है ये इनका ऑथेंटिक बालिनीज प्लेटर है, आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाइए आपको इसी कॉम्बिनेशन में ही सर्व किया जाएगा, चिकन होगा साथ में राइस होगा सैलड होगा और सांबाल होगा। चिकन के बदले में आप फ़िश प्लेटर भी ले सकते हैं, तो चिकन के बदले वो एक बड़ा सा फ़िश का पीस डीप फ्राई करके दे देंगे। और इसके अलावा जो बालिनीज खाने का ऑप्शन है वो है नासी गोरेंग और मी गोरेंग। तो नासी को ये राइस कहते हैं, तो गोरेंग एक काइंड ऑफ फ्राइड राइस प्रिपरेशन होता है, एंड नूडल्स में अगर वो बनाते हैं तो उसे मी गोरेंग बोलते हैं, जो कि बाली का एक स्टेपल फूड है। तो हम कल जिस रेस्टोरेंट में गए थे उबूद में, वहाँ पे हमने नासी गोरेंग ट्राई किया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इनका जो प्लेटर होता है काफ़ी फुलफिलिंग होता है, राइस के साथ साथ एक प्रोटीन का पोर्शन होता है, सैलड होता है, सॉस होता है, तो ओवरऑल इट्स अ कम्प्लीट मील। तो ऑनेस्टली मैंने ये कुजीन बहुत इन्जॉय किया है। और ये जो टिपिकल सॉस से बनाते हैं, मेरा मन है कि मैं यहाँ के लोकल शॉप से ये सॉस ले जाऊँ और घर पे भी नासी गोरेंग या मी गोरेंग को बनाना ट्राई करूँ। तो चलिए अभी हम मंदिर से निकल जाएंगे, और जैसे मैंने कहा हर कॉर्नर को इन्होंने ध्यान में रखते हुए गार्डनिंग किया है। काफ़ी सारे फूलों से गुजरते हुए हम ऑलमोस्ट निकल गए हैं और एग्ज़िट में है गणपति बापा। बाली में हर जगह हर मंदिर में या तो एंट्री या एग्ज़िट में आपको एक गणपति का मूर्ति ज़रूर देखने मिलेगा। तो आज का व्लॉग बस यही तक रहा, और आशा करते हैं कि आपको हमारा ये ट्रैवल व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाली के कुछ और व्लॉग्स भी हमारे चैनल में पोस्ट हो जाएंगे बहुत जल्दी, और हम आशा करते हैं कि हमने जितना बाली एंजॉय किया है, एक्सप्लोर किया है, हमारे चैनल के माध्यम से आप भी उतना ही एक्सप्लोर कर रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। बहुत जल्द हम मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अलविदा।